आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले मुख्य समाचार। पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया तेज, अब तक हुए 25,000 से अधिक नामांकन। सीबीआई ने भोपाल सहित एक दर्जन से अधिक शहरों में मारे छापे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी, अध्यक्षीय घोषणा जल्द होने की संभावना। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में फिर बारिश का अनुमान जताया। अब खबरें विस्तार से। वर्ष 2020 में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सरकार को अब तक 25,000 से अधिक नामांकन मिले हैं। इन पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिश जमा कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें केवल पद्म अवार्ड पोर्टल पर ही स्वीकार की जा रही हैं। सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय और अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए ये पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। किसी भी जाति, वर्ग, पद और पेशे का कोई भी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए नामांकन कर सकता है। हालांकि चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं। सितंबर माह राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। कल से 30 सितंबर तक मनाए जाने वाले पोषण माह की टैगलाइन हर घर पोषण का त्यौहार रखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य 5 वर्ष तक के बच्चों की शारीरिक वृद्धि और निगरानी, स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकता के प्रति जागरूकता, गर्भावस्था जांच और शीघ्र स्तनपान व्यवहार, सही समय पर ऊपरी आहार के साथ निरंतरता आदि पर प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करना है। अभियान में जिला, विकास खंड और आंगनवाड़ी स्तर पर पोषण जागरूकता और इसे जन आंदोलन का रूप देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। पोषण माह में होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपडेट की जाएगी तथा वेबसाइट के माध्यम से इसकी रोजाना समीक्षा भी होगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने केंद्र सरकार के विभागों, केंद्र शासित प्रदेशों और सार्वजनिक क्षेत्रों के प्राधिकरणों के सतर्कता दलों के साथ मिलकर देश भर के 150 स्थानों पर औचक छापे मारे। ये छापे दिल्ली, जयपुर, गुवाहाटी, श्रीनगर, नागपुर, भोपाल सहित एक दर्जन से अधिक स्थानों पर मारे गए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार ये छापे विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए मारे गए हैं। इस दौरान रेलवे, कोयला खनन, चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित संगठन, सीमा शुल्क और भारतीय खाद्य निगम समेत कई विभागों में ऐसी कार्यवाही की गई है। राज्यपाल लालजी टंडन ने सर्वधर्म समिति भोपाल के सदस्यों ने कल राजभवन में भेंट की। समिति में शामिल विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल श्री टंडन का शॉल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। राज्य शासन के आदेश के अनुक्रम में संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के पेंशनरों को भी अब शासकीय पेंशनरों के समान ही महंगाई राहत मिलेगी। इस संबंध में आदेश कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार अब नगरीय निकायों के पेंशनरों को भी 1 जनवरी 2019 से महंगाई राहत का लाभ प्राप्त होगा। तीन तलाक जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 और धारा 35A को लेकर इंदौर में एक सामाजिक संस्था द्वारा कल परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान तीन तलाक को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने वाली सायरा बानो और इशरत जहां का सम्मान किया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिस बी.एस. कोगजे, पूर्व पुलिस महानिदेशक संतोष राउत, कश्मीरी ब्राह्मण संघ के अध्यक्ष अशोक बांगरू ने अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 समाप्त कर ऐतिहासिक काम किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in देख सकते हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन YouTube, Twitter और Facebook पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। अब आप प्रसार भारती के आधिकारिक ऐप newsonair पर भी समाचार लाइव सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लेकर अब तक कोई निर्णायक फैसला नहीं हो सका है। इसके लिए प्रदेश के अनेक नेता अपनी अपनी दावेदारी पार्टी हाईकमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन पर विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी है, जहां एक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दिग्विजय सिंह, अजय सिंह जैसे अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम भी इस दौड़ में शामिल हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल दिल्ली में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में इस पद को लेकर कोई मतभेद नहीं है। पार्टी सूत्रों से मिली खबर के अनुसार श्रीमती गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद कोई फैसला करेंगी। लोक स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए प्रदेश में राइट टू हेल्थ को लागू किया जाएगा। श्री सिलावट कल भोपाल में कॉन्फ्रेंस ऑफ राइट्स बेस्ड अप्रोच टू हेल्थ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राइट टू हेल्थ में 42 रोगों पर खास फोकस किया जाएगा, जिन रोगों से लोगों को स्वस्थ होने में काफी समय लगता है। उन्होंने कहा कि इस योजना से हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य है। श्री सिलावट ने कहा कि खान पान आदि का भी स्वास्थ्य से गहरा नाता है। पिछले 3 सालों में कैंसर, किडनी और हृदय रोग संबंधी बीमारियां मिलावटी खाद्य पदार्थों की वजह से बढ़ी हैं। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को के भोपाल स्थित परिसर में ग्रीन गणेश अभियान कार्यशाला का आयोजन कल किया गया। इसमें शासकीय महिला पॉलिटेक्निक की छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं तैयार की। आज इस कार्यशाला का अंतिम दिन है। कार्यशाला के दौरान मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं तैयार करने का प्रतिभागियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। रीवा जिले के सोहागी थाना अंतर्गत रीवा प्रयागराज मार्ग पर सोहागी पहाड़ के निकट कल देर रात बस और ट्रक की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 50 लोग घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए रीवा के जिला चिकित्सालय भेजा गया है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का दौर अभी जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के भोपाल, जबलपुर संभागों के कुछ जिलों में बारिश हुई। विदिशा में पिछले 2 दिनों में हुई बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहां स्कूलों में भी कल और आज अवकाश घोषित किया गया था। वहीं सागर जिले में भारी बारिश से खरीफ की फसल को नुकसान की खबर है। उधर रायसेन जिले में भी बारिश होने से भोपाल सागर मार्ग पर आवागमन में बाधा हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान एक बार फिर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की शुरुआत होने का अनुमान जताया है। साथ ही गुना, अशोकनगर, दमोह, छतरपुर, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी और होशंगाबाद जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारत सरकार के निर्देशानुसार गुना जिले में भी वर्ष 2019 के लिए 7वीं आर्थिक गणना का कार्य 1 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगा। ये दिसंबर माह तक चलेगा। गुना जिले के कलेक्टर ने नागरिकों से गणना के लिए सही जानकारी प्रदाय करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि आर्थिक गणना के माध्यम से एकत्रित की गई जानकारी लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए नीति निर्माण में सहयोग करेगी। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कलेक्टर ने बताया कि नागरिकों द्वारा दी जाने वाली जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने आर्थिक गणना के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों को सहयोग करने की अपील नागरिकों से की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री लाखन सिंह यादव आज जिले में विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे और आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा रीवा जिला मुख्यालय पर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें छात्र छात्राओं ने विभिन्न राज्यों की संस्कृति और सभ्यता पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाई और महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान की ओर से उत्कृष्ट विद्यालय रायसेन में संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें 112 छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया तेज, अब तक हुए 25,000 से अधिक नामांकन। सीबीआई ने भोपाल सहित एक दर्जन से अधिक शहरों में मारे छापे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लेकर विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी, अध्यक्ष की घोषणा जल्द होने की संभावना। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में फिर बारिश का अनुमान जताया। इस बुलेटिन में इतना ही। आकाशवाणी भोपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनिए 2:30 पर। नमस्कार।